मुंबई से सटे ठाणे जिले की, जहां पर एक घटना ने दिल को झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। डोंबेवली के मानपाड़ा इलाके में एक 14 साल की मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पीड़ित लड़की नाबालिग के साथ पिछले 8 महीने से लगभग 29 लोगों ने दुष्कर्म किया। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे डोंबेवली इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए कल्याण डोंबेवली के एडिशनल पुलिस कमिश्नर दत्ता कराले ने बताया कि पीड़िता के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ रेप का वीडियो बनाया और उस वीडियो को उसने अपने दोस्तों को दिखाया, जिसके बाद आरोपी बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने वीडियो दिखाकर लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बदनामी की डर से पीड़ित लड़की कुछ नहीं कर सकी और इसका फायदा कथित आरोपियों ने उठाया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। एडिशनल कमिश्नर दत्ता कराले की यदि माने तो 29 आरोपी लड़कों ने पीड़ित नाबालिग के साथ जनवरी महीने से लेकर 22 सितंबर के बीच लगभग कई बार और अलग अलग जगह पर दुष्कर्म किया गया। उन्होंने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर इस मामले में अब तक 29 आरोपियों में से 2 नाबालिगों समेत कुल 23 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लड़की के दावे की पुष्टि करने के लिए उसका मेडिकल कराया जा रहा है। कथित आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं 6 आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जिसमें से 23 आरोपियों को 29 सितंबर तक जो है पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जबकि 2 नाबालिग आरोपियों को सुधार गृह में भेज दिया गया है। कल रात को मानपाड़ा पुलिस स्टेशन डोंबिवली में एक नाबालिग लड़की ने आके कंप्लेंट दी है कि जनवरी 2021 से कल 22 सितंबर 2021 के 8.5-9 महीने के पीरियड में उसके जो पहले दोस्त थे, ऐसे दोस्त लड़कों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे उस पर बलात्कार किया है। उसके कंप्लेंट के बाद तुरंत पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुई है। ये टोटल 29 लोगों के उस लड़की ने नाम बताए, उसमें से 23 लड़कों को हमने ताबे में लिया है, अरेस्ट किया है। उसमें से 2 नाबालिग बच्चे यानी कि विधि संघर्षग्रस्त बालक है, बाकी 21 आरोपी है। ये कंप्लेंट आने के बाद तुरंत DCP सचिन गुंजाल और बाकी ऑफिसर्स ने टीम्स बना के 21 लोगों को अरेस्ट किया और जो स्पॉट था स्पॉट का भी जायजा किया है। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। मैं और DCP तो है, लेकिन ये महिला की केस होने के कारण और इसकी व्याप्ति देख के महिला ACP सोनाली ढोले इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो लड़की ने बताया है उसके मुताबिक हम सब चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं। लड़की की तबीयत अभी कैसी है और ये जो आरोपी है ये कहाँ के रहने वाले? लड़की और ये सब आरोपी डोंबिवली एरिया के रहने वाले है। उसमें से कुछ लड़के उसको एक दूसरे के पहचान के थे, दोस्त जैसे थे।